कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मम्मी। कंग्रेचुलेशंस। मेरा बेटा बड़ा हो गया, कमाऊ हो गया, बहुत गर्व है तुझ पर। अब आप सब लोग देखना, गगन आसमान छुएगा, जॉब जो लग गई है मेरी। कंग्रेच। अरे बेटा, सुबह सुबह इतनी अच्छी खबर सुनाई है तूने। अब इसकी कमाई का थोड़ा हिस्सा मेरा, मेरी पॉकेट मनी माँ। आज तेरे पसंद का खाना बनाऊंगी। अच्छा, ज्वाइन कब करना है? बस मम्मी, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बाकी है, फिर ज्वाइनिंग डेट पता चल जाएगी। कौन सी फॉर्मेलिटीज? वो 1 लाख रुपए कुछ भरने थे और फिर उसके बाद वो लेटर वेटर सब मिल जाएगा। क्या गगन, 1 लाख रुपए क्यों? तुम्हारी कंपनी कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रही है? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं अकेला थोड़ी हूँ जिसने ये डिपॉजिट अमाउंट भरा है, जितने हैं सारे एम्प्लॉय सबने भरा है ना। ओके ओके, वेट, लेट मी एक्सप्लेन। जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, अब सीट होल्ड करने के लिए एक एडमिशन फीस भरते हो ना, वैसे यहाँ पे जॉब ऑफर होल्ड करने के लिए वो डिपॉजिट भरना है, नॉट अ बिग डील। अरे पर ये क्या बात हो गई? मतलब ये कंपनी नौकरी से ज्यादा कुछ स्कैम करने वाली कंपनी लगती है। ऐसी कौन सी कंपनी मांगती है डिपॉजिट नौकरी देने से पहले, वो भी इतनी बड़ी रकम? यार आप लोग थोड़ा चिल करोगे? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो सोच समझ के बोल रहा हूँ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इनफैक्ट मैंने बाकी एम्प्लॉय से भी बात की, सबने भरा है डिपॉजिट अमाउंट, नॉट अ बिग डील। मैं कह तो रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, तुम मुझे इस कंपनी के सारे पेपर्स दिखाओ। मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या जॉब ऑफर किया है और सैलरी कितनी दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डाला है, मुझे सब दिखाओ। सब देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि ये नौकरी तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। यार अब मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते हो क्या? यहाँ पर तो आपने सबके सामने स्माइल करके खुश होने की एक्टिंग करनी, लेकिन जब तक आप अपने मन की नहीं करो आपको चैन नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है अगर आपको जॉब का ऑफर ठीक लगा तो हाँ, नहीं लगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। चाहिए वो क्यों चाहिए? यार अब मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते हो क्या? यहाँ पर तो आपने सबके सामने स्माइल करके खुश होने की एक्टिंग करनी, लेकिन जब तक आप अपने मन की नहीं करो आपको चैन नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है अगर आपको जॉब का ऑफर ठीक लगा तो हाँ, नहीं लगा तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बहू। हाँ माँ। तुम ठीक तो हो बेटा? बाहर वो गगन, बेटा वो बच्चा है, उसकी बात तुम दिल पे मत लो। एक बार वो शांत हो जाएगा ना, फिर तुम जो समझाना चाहती हो वो समझेगा, है ना? हाँ माँ। माँ वो सॉरी, मतलब आज पहली बार घर की पूजा में शामिल नहीं हो पाई मैं, पता नहीं कैसे मिस हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा तो भाई तुमको माफी तो तब मिलेगी जब तुम तंबोला लंच मिस नहीं करोगी। तंबोला लंच? क्यों, तुम्हारी किन्नुमा सिर्फ भजन ऑर्गेनाइज कर सकती है, तंबोला लंच नहीं? क्या हम तेजी से कम कूल हैं? नहीं माँ, आप माँ और बच्चों दोनों से ज्यादा कूल हैं। एक राज की बात बताएं, सच तो ये है कि ये तेजी ने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन हमने सोचा कि उसकी खबर पहले हम तुम्हें दे दें। अरे समझन है हमारी, हक बनता है भाई। आप भी ना माँ। अच्छा सुनो, आज ये लंच पे ना तुम ये छोटे छोटे इयररिंग्स नहीं पहनना, ये डायमंड वाले बड़े झुमके पहनना। अरे लोग जब आए तो हमारी बहू को देखें, और खास तौर पे वो निम्मी, उसकी तो जबान बंद करनी है हमें। ये लो। जैसा आप कहें। अरे हमारी बहू जयसिंह खानदान की मान है, हमेशा ऐसी खिलखिलाती रहो, खुश रहो, अच्छा पहनो ओढ़ो। अरे लोगों को भी तो दिखना चाहिए कि हमारे परिवार की खुशी हमारी बहू में। ये रहे, ये पहन लेना। हाँ हाँ। बहू। हाँ माँ। वो झुमकों के साथ ना कड़े भी हैं, वो भी पहन लेना, मैचिंग मैचिंग। ठीक है। बहू। हाँ। बाय बाय बोलना तो भूल गई थी। बाय बाय, आई लव यू।
अब क्या माँ, मांग टीका भी पहन लो और साथ में एक बच्चा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।